मतलब क्लियर है निकले ये की लगे ये चले आ प्रेशर ऑफ छी एमे पाइप लगा के कता कता सब लगे यहां का एम एम के छी एम से लगा था नहीं एम से इसमें रहता है ना नहीं रहता है जो इस जिसके नहीं ना है ना वही आदि कर पटाता अधिक कि हर एक महीने में एक तो कैंसर पेशेंट हो जाते हैं। अभी तक फिलहाल 25 से 30 पेशेंट बच्चे से लेकर वृद्ध तक जो एज रहते हुए भी चले गए। अभी भी फिलहाल कुछ पेशेंट हैं हमारे गांव में यहाँ पे, जैसे श्याम झा हुआ, जटा झा, महतो, ये लोग भी हमारे यहाँ से चले गए हैं और बहुत से सारे पेशेंट अभी भी होते हैं जिसका कि कोई निदान अभी तक नहीं हुआ, ना जल का ना कोई ट्रीटमेंट का, यही सब हो रही है। कहा जाता है कि पूर्व विधायक जो है उनकी भी पत्नी है, पूर्व विधायक भी महेंद्र झादाज उनकी पत्नी थी, वो भी कैंसर पीड़ित थी, वो भी मतलब यहाँ का पानी बहुत खराब है, पानी खराब होने के कारण यहाँ कैंसर का परसेंट बहुत ज़्यादा है और जब तक पता चलता है जहाँ तब तक परसेंट मतलब फोर्थ स्टेज पर पहुँच जाते हैं और घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है, इसके कारण बहुत हालत खराब है हम लोगों का। इलाज कहाँ से करवा पाते हैं आप लोग? इलाज हम पहले यहाँ से भी करवाए हैं, उसके बाद हम दिल्ली में करवाए हैं इलाज। पता कैसे चलता है फिर? पता चलता है मतलब देह हाथ दर्द करता है, उसके बाद वो वैसे जांच करते गए करवाते गए जब लास्ट स्टेज पे चलते जाता है उसके बाद पता चलता है। हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया है, कोई दवा नहीं, हम लोग सब प्राइवेट से दवा खरीदे हैं, प्राइवेट से जांच करवाए हैं, हर एक चीज़ प्राइवेट से ही करवाए हैं। आपके गांव में साफ पानी की व्यवस्था की गई है पेयजल? नहीं, अभी तक नहीं की गई है। अच्छा, कितने लोगों की मौत हो चुकी है पिछले सालों में? पिछले साल में बहुत की मौत हो चुकी है, अभी भी 25-30% होंगे। इसके लिए ये जो आर्सेनिक प्रोन क्षेत्र है या अन्य कोई केमिकल है पानी में, जैसे आप लोग बता रहे हैं तो ऐसे प्रतीत होता है कि आर्सेनिक ही है, तो उसमें ट्रीटमेंट प्लांट को पब्लिकली ओपन किया जाए और एक ट्रीटमेंट प्लांट से काम अगर नहीं हो रहा तो दो या तीन ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ पीएचडी विभाग के माध्यम से हम लोग स्थापित करें ताकि सबको नल का जल जो प्राप्त होने की सात निश्चय योजना भी माननीय मुख्यमंत्री जी की है उसका भी क्रियान्वयन सफल तरीके से हो पाएगा। तो इसमें हम लोग डॉक्टरों की टीम बना के भेजते हैं, इसमें पीएचडी के भी जेई या ए या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, तो ज्वाइंट रिपोर्ट प्राप्त करके आगे की कार्रवाई की जाएगी।